के लायक है। अर्ज करने के बाद नबी अकरम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद दरसे कुरान की ये दूसरी नशिस्त जिसका आज हम आगाज कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली नशिस्त में सूरत असर की तफसीर और उसका मुख्तसर मैंने खुलासा और उसकी तशरीह पेश की थी। उम्मीद है कि नाज़रीन ने उससे इस्तेफादा किया होगा और बातें हमें उसमें से हम तक पहुंची थी उन पर अमल करने की भी कोशिश की जा रही होगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपको याद होगा सूरत असर के आखिरी हिस्सा का ज़्यादा उसको हम वजाहत से बयान नहीं कर सके थे कि इल्लल्लज़ीन आमनु व अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र। तो इस आयत में जो आखिर में दो आयतें आई उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ वो खुद नेक अमल करने वाले सब्र करने वाले हक को मान पर उस पर अमल